अगर आप BSES नया मीटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि BSES का नया मीटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। BSES के नया मीटर अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी अपलोड करने के लिए। उसके बाद आपको देखिए आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। आईडी प्रूफ की लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले होता है आधार कार्ड, इलेक्ट्रिक फोटो आईडी कार्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यू बाई एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब की कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो वो आईडी भी चलेगी। वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड या राशन कार्ड जिसमें फोटो लगी हो, इन में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए बिजली BSES न्यू कनेक्शन के लिए। तो मोस्टली ज्यादातर आधार कार्ड लोगों के पास होता है। उसके बाद देखिए आपको तीसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जो है प्रॉपर्टी पेपर। प्रॉपर्टी पेपर में आप सैलरी या फिर GPA, जनरल पावर अटोर्नी जैसे डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है NOC। NOC उनके लिए होता है जिनके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे किसी के फादर के नाम पे प्रॉपर्टी है तो उनको NOC की जरूरत पड़ती है। और NOC आपको कहाँ से डाउनलोड करके इसको कैसे फिल करना है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। किस तरह आप BSES न्यू मीटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने ब्राउजर में जाना है। यहाँ आपको टाइप कर देना है BSES। BSES टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। BSES जैसे आप टाइप करोगे, देखिए आपके सामने सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही होगी BSES दिल्ली, www.BSESDelhi.com। इस सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपका BSES राजधानी पावर लिमिटेड आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका BSES यमुना पावर लिमिटेड आता है तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। BSES न्यू कलेक्शन अप्लाई का फॉर्म दोनों साइड में एक जैसा ही है। आप जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे BSES यमुना पावर लिमिटेड पर अप्लाई करना है तो मुझे यहाँ क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको जाना होगा अकाउंट्स। अकाउंट में जाने के बाद देखिए आपको जाना है यहाँ ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह से यहाँ पे सर्विस आ जाएगी। BSES का कलेक्शन लेना है तो आपको देखिए यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ दिख रहा होगा न्यू कलेक्शन, तो आपको देखिए यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट वाले बटन पे आपके सामने देखिए इस तरह से यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। आपको देखिए क्या क्या आईडी प्रूफ चाहिए वो यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद देखिए आपको नीचे आना होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको देख और यहाँ पे देखिए ओनरशिप टाइप परमिशन में आपके देखिए यहाँ जितने भी ये लिस्ट दे रखी है कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, जनरल पावर अटर्नी या सेल डेट, ये सब आपके यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। उसके बाद आपको देखिए नीचे आना होगा, आपको सबसे नीचे आना होगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी देते हैं उस पे एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट के बटन क्लिक करोगे ये देखिए योर रिक्वेस्ट कम्प्लीट सक्सेसफुली, आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर हो चुकी है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ जाना होगा सिलेक्ट के ऑप्शन पे। सिलेक्ट के ऑप्शन पे जैसे आप जाओगे तो आपको मीटर कितने किलोवाट के लिए अप्लाई करना है, 1 से 10 किलोवाट या 10 से 44 किलोवाट। तो मोस्टली मुझे डोमेस्टिक के लिए, डोमेस्टिक यानी घरेलू के लिए अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ न्यू कलेक्शन अप टू 10 किलोवाट वाले सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद गो वाले बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे डालना है आपका टाइप लोकेटी नेम, आप कौन से एरिया में रहते हैं वो ना आपको नाम सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अपना यहाँ एरिया में डाल देता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एरिया सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी आपके एरिया, आप जो आपका एरिया लगता है वो एरिया आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए जैसे मैं अपना एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ जाना है आपको टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल चूज कर लेना है। इंडिविजुअल चूज करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए टाइटल नेम, यहाँ पे देखिए आप टाइटल में अपना डॉक्टर, MS, मिस्टर या मिसेस जो भी आप लगा देना है। MR चूज कर लूंगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है।
और यहाँ लास्ट नेम डाल देना है। यहाँ आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए जेंडर में आप मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ रिलेशन यहाँ सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या आप डॉटर ऑफ, सन ऑफ या वाइफ ऑफ जो आपके में लगता है वो यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फादर हस्बैंड नेम डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको जाना होगा ऑक्यूपेशन पे, आपको देखिए बीएससी एम्प्लॉय, कॉलेज स्टूडेंट, ग्रेजुएट कॉलेज एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट, हाउस वाइफ या पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एम्प्लॉय रिटायर्ड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है या फिर स्टूडेंट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कोई पब्लिक प्राइवेट में काम करते हैं तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। आप अपनी मर्जी से जो आपका ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ देखिए डेट एनिवर्सरी, अगर आपकी कोई शादी हो चुकी है जब आप मीटर लगवा रहे हो तो उसकी एनिवर्सरी डेट डाल सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है, लैंडलाइन नंबर कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी है, व्हाट्सएप नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पे अगर आपका ये मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम है तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो वही नंबर आपको यहाँ नीचे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ देखिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे आपका देखिए यहाँ पर सारा डाटा सेव हो चुका है, आपका रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे डाटा सक्सेसफुली यहाँ देखिए लिखा आ रहा है, हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया। आप देखिए सेकंड स्टेप आ गया है यहाँ पे एड्रेस। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डाल देना है। यहाँ आप देखिए आपको बिल्डिंग फ्लोर नेम, देखिए ये जरूर इम्पोर्टेंट है, आप कौन से फ्लोर में बिजली का मीटर लगवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे फर्स्ट फ्लोर में लगवाना चाहते हैं तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर डाल देना है, सेकंड फ्लोर में लगवाना चाहते हैं सेकंड फ्लोर डाल देना है, या ग्राउंड फ्लोर में लगवाना चाहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर डालता है, वो यहाँ पे आपको डालना जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ स्ट्रीट नंबर आपको यहाँ डाल देना है, फिर यहाँ पे कॉलोनी एरिया यहाँ आपको डाल देना है, लैंडमार्क जो है वो आपको यहाँ डाल देना है, लैंडमार्क आपका लगता है नियर बाय कोई शॉप या कोई मंदिर वगैरह जो है वो यहाँ आपको डाल देना है। यहाँ आपको पिन कोड डाल देना है, अगर आपके किसी पड़ोसी का मीटर नंबर है तो यहाँ डाल देना, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, आप इसको ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा होगा बिलिंग एड्रेस सेम एज सप्लाई एड्रेस, तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और जो आपने ऊपर भरा है वो सारा नीचे आ जाएगा। यहाँ आपको फिर से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर से आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पॉप अप आ जाएगा, आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे देखा आ रहा है डाटा सेव सक्सेसफुली। देखिए जो भी आप ये स्टेप कंप्लीट करोगे आपका डाटा वहीं सेव हो जाएगा, या अगर आप इसको क्लोज कर देते हो तो आपका डाटा वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपने छोड़ा है। तो यहाँ आ जाएगा देखिए कैटेगरी जनरल, तो इस वाले तीसरे ऑप्शन पे हम आ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आपको जाना होगा सिलेक्ट के ऑप्शन पे, सिलेक्ट के ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी, आप मीटर किस कैटेगरी का लगवाना चाहते हैं। तो मुझे डोमेस्टिक मीटर लगवाना है, तो देखिए यहाँ पे तो मुझे देखिए डोमेस्टिक यानी घरेलू मीटर के लिए अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा डोमेस्टिक, तो इस वाले डोमेस्टिक में हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने सेकंड ऑप्शन आ जाएगा देखिए कनेक्शन टाइप, आप कनेक्शन कहाँ पे लेना चाहते हैं, तो देखिए उसमें यहाँ पे आपको कैटेगरी आ जाएगी, तो आपको यहाँ देखिए यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी चूज कर लूँगा। जनरल कैटेगरी चूज करने के बाद देखिए यहाँ आ जाएगा किलोवाट, आप कितने किलोवाट का मीटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ नीचे लिखा आएगा 1 से 10 के बीच में आप कोई से भी किलोवाट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं घरेलू मीटर अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए मेरे को 1 किलोवाट की मीटर की जरूरत है, तो यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट डाल दूंगा। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको न्यू मीटर न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। न्यू कनेक्शन के बाद देखिए आप देखिए यहाँ पे एक सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा परमानेंट कनेक्शन, तो आप परमानेंट कनेक्शन पे, अगर आपको परमानेंट कनेक्शन लेना है तो परमानेंट कनेक्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए नीचे आना होगा आपको, उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा सिलेक्ट एरिया, तो आप जहाँ पे रहते हैं वो एरिया क्या लगता है, गवर्नमेंट हाउस या फ्लैट है, झुग्गी झोपड़ी या क्लस्टर है। तो यहाँ देखिए मेरा कोई मकान बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मैं हम अदर पे क्लिक कर लेंगे, तो हमें देखिए यहाँ पे अदर पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ परमिशन, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर आप ओनर है तो ओनर पे क्लिक कर लेना है, रेंट लीज ले रखे तो इस पे क्लिक करना है, कंपनी प्रोवाइडर इस पे क्लिक कर लेना है, ग्रोमेंट प्रोवाइडर है तो इस पे क्लिक कर लेना है। अगर आपके मकान आपके नाम, अगर मकान आपके फादर के नाम है
और आप उसमें मीटर लगवाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है अदर में, अदर में आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ जाना होगा टाइप फॉर बिलिंग, तो यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट पेड के लिए सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ आएगा मीटर चॉइस, तो यहाँ पे देखिए आपको डाल देना है BSES मीटर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ आएगा वोल्टेज लेवल, तो यहाँ पे देखिए LT घरेलू मीटर के लिए आप अप्लाई करें तो LT डाल देना है, अगर आप कमर्शियल डालें तो LT डाल देना है। तो मुझे घरेलू मीटर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ तो मैं LT आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ आ जाएगा फेज, तो यहाँ पे देखिए आपको फेस वन क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है। पर्पस ऑफ न्यू कनेक्शन, आप नया मीटर किस लिए लगवाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ रीजन डाल देना है, वैसे कंपलसरी नहीं है। GST नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा आएगा प्रॉपर्टी नंबर अवेलेबल, अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स भर रखा है तो यहाँ देखिए सिलेक्ट वाले बटन पे क्लिक, सिलेक्ट वाले बटन पे यस या नो कर लेना है। यहाँ पे आपको अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको यूपी का आईडी डाल देनी है। उसके बाद वोटर कार्ड नंबर है तो यहाँ आपको डाल देना है, वैसे कंपलसरी नहीं है। यहाँ देखिए आ रहा होगा ELCB इंस्टॉलिंग डिवाइस 2 kW या उससे ऊपर का मीटर अप्लाई कर रहे हो तो वो लेना आपको कंपलसरी है। ELCB डिवाइस देखिए आपके सामने में स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्या होता है ये देखिए, या आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ELCB डिवाइस आपको नियर किसी भी बिजली की दुकान पे आपको मिल जाएगा। ये ELCB डिवाइस आपको खरीद के रखना होगा अगर आपका 2 kW या उससे ऊपर है आप मीटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैंने 1 kW के लिए अप्लाई कर रहा है तो मैं इसको नो ही चूज कर लूंगा। अगर आपके पहले से कोई मीटर लगा हुआ है उसमें ELCB डिवाइस है तो यहाँ पे आपको यस ही चूज कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोटो एंड साइन, तो यहाँ आपको फोटो चूज कर लेनी है, यहाँ आपको अपलोड कर लेनी है, ऐसे आपको साइन अपलोड चूज कर लेने हैं, फिर यहाँ आपको अपलोड करने हैं। इन दोनों का साइज आपको 50 KB से मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। तो मैं फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुल अपलोड होने के बाद देखिए अगर आप जो फोटो अपलोड करिए हो यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं आपकी फ़ोटो सही अपलोड हुई है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। 5वां स्टेप डॉक्यूमेंट अपलोड, तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको देखिए यहाँ नीचे आना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए देखिए आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं आईडी प्रूफ या अपनी प्रॉपर्टी के पेपर जो भी आप अपलोड करोगे वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसकी मैक्सिमम लिमिट साइज 25 MB होनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम PDF फाइल। तो हम सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। ये देखिए सबसे पहले आएगा आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ आपको देखिए आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ देखिए सिलेक्ट के ऑप्शन पे हम जाएंगे, जैसे आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाते हो तो देखिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, फोटो आइडेंटिटी, गवर्नमेंट एजेंसी पे आप काम करते हो उसको वो लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड विद फोटो लगा सकते हैं। मोस्टली लोगों के पास आधार कार्ड होता है, आपके पास आधार कार्ड है उसी एड्रेस का तो आप यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड आपको कर लेना है। तो मैं आधार कार्ड चूज़ कर लूँगा, यहाँ आपको आधार कार्ड चूज़ कर लेना है, उसके बाद इसको अपलोड कर लेना है। जैसे आप अपलोड करोगे देखिए यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुली अपलोड, उसके बाद यहाँ आप अपना डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट भी व्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका सेक्टर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा अंडर ऑनरशिप PDF फॉर्मेट, आप देखिए यहाँ पे ये भी कंपलसरी है, आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपके प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है यानी आपके फादर के नाम है तो आप अपने फादर की भी यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिलेक्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट के ऑप्शन पे देखिए यहाँ पे देखिए आप यहाँ पर यहाँ अपने सेल डीड की कॉपी लगा सकते हैं, यहाँ अपने प्रॉपर्टी के पेपर, यहाँ आप ज़्यादातर लोगों के पास जनरल पावर अटॉर्नी होती है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप ये जितने भी डॉक्यूमेंट दे रखे हैं इनमें से कोई सा भी आप एक डॉक्यूमेंट यहाँ लगा सकते हैं। तो अगर आप तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये आप इनमें से कोई सा भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास जनरल पावर अटॉर्नी है तो यहाँ जनरल पावर अटॉर्नी पे हम सिलेक्ट कर लूँगा।
सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ चूज फाइल पे आपको जाना है, आपको जहाँ जनरल पावर अटोर्नी है चूज कर लेनी है, उसके बाद यहाँ देखिए अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल होने के बाद आप इसको व्यू करके भी देख सकते हैं। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पर आपको अदर डॉक्यूमेंट, तो अदर डॉक्यूमेंट में अगर आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, आपके फादर के नाम है, तो उनकी एक एनओसी लगेगी। एनओसी आपको कहाँ से मिलेगी मैं आपको स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। दोबारा से BSES की साइट पे आना होगा, फिर से आपको देखिए यहाँ ऑनलाइन सर्विस में जाना है। ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद फिर से आपको न्यू कलेक्शन वाले ऑप्शन पे जाना होगा। न्यू कलेक्शन वाले ऑप्शन में जाने के बाद देखिए आपको फिर से ये फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद देखिए आपको एनएक्सयू एक एनओसी फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे पीडीएफ फाइल दिख रही होगी, तो ये पीडीएफ फाइल आपको यहाँ डाउनलोड कर लेनी है, उसका आपको प्रिंट निकलवा लेना है। ये देखिए आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यहाँ देखिए यहाँ जिसके नाम प्रॉपर्टी है उसका यहाँ नाम डाल देना है, उनके फादर नाम डाल देना है, उनका एड्रेस डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर जो आपके कागज में प्रॉपर्टी नंबर दिया है वो सीएल नंबर वगैरह वो जो सीएल नंबर है वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ इसको यस कर देना है, और देखिए जो मीटर लगवा रहे हैं जो अपने नाम पे मीटर लगवा रहे हैं उनका यहाँ नाम डाल देना है, फादर हस्बैंड वाइफ ऑफ जो भी आता है यहाँ डाल देना है, वो एड्रेस यहाँ डाल देना है जिस एड्रेस पे आप मीटर लगवा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑनर के, और यहाँ देखिए यहाँ उस दिन की डेट डाल देनी है। ये सब फिल करके आपको साइन कर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बना लेनी है। इसके साथ आपको ओनर की आईडी प्रूफ भी अटैच करनी होगी साथ में, अगर आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ दिख रहा होगा वो एनओसी आपको यहाँ एनी में डॉक्यूमेंट में अपलोड कर लेनी है। और उसके बाद देखिए छठा ऑप्शन आता है ELCB बिल कॉपी फॉर 2 किलोवाट। अगर आप कलेक्शन 2 किलोवाट से ज़्यादा का ले रहे हैं तो आप ELCV डिवाइस लेकर रखना होगा, ये आपको किसी भी बिजली की दुकानों पे मिल जाएगा। इसका बिल जरूर बनवाए वो, और बिल उसके नाम ही पे उसी के नाम बनेगा जो मीटर अपने नाम पे बनवा वो। देखिए ELCV डिवाइस आपको यहाँ पे चूज करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पॉप अप आ जाएगा, फिर से आपको यहाँ क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम एड्रेस सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। ये आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे ये देखिए यहाँ पे आपके सामने रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा, यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ आपका नाम आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे लिखा है वी योर एक्लॉन्ज योर ऑनलाइन रिक्वेस्ट न्यू कनेक्शन विल बी कॉन्टैक्ट शॉर्टली। आपको देखिए कोई आपको बिजली BSES विभाग से कोई आपके घर पे विजिट करने आएंगे, आपको फ़ोन करके आपके कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपके घर का आपका जो मकान है वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जो आप घरेलू मीटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक आपके रसोई टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा होनी चाहिए। तो जब भी और उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे हैं वो आपके द्वारा से चेक करेंगे, उसके बाद आपका वेरीफाई करने के बाद आपको फिर अपॉइंटमेंट फिर आपको बता देंगे कि आपको बिजली BSES ऑफिस कब आना होगा। इस तरह आप बिजली के मीटर को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।